आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों और उत्तर भारतीय मंदिरों में क्या अंतर है और क्या समानता है। दक्षिण भारत के मंदिरों और उत्तर भारत के मंदिरों में उनके निर्माण अभ्यास इस तरह के मामलों में अंतर है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के लिए किए गए अनुष्ठानों की तुलना में उत्तरी मंदिरों में किए गए रस्में बहुत सरल है। दक्षिण भारतीय मंदिरों का इस्तेमाल रस्मों को विस्तृत तरीकों के साथ किया जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में अनुष्ठानों के प्रदर्शन में संस्कृत अमामा शास्त्रीय परंपराओं की कड़ाई से पालन किया जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की तुलना में उत्तर भारतीय मंदिर कम रूढ़िवादी, परंतु प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक शरीर को उत्तर भारतीय मंदिरों में देवता के सबसे गहरे प्रवेश में प्रवेश करने की इजाजत है, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में कुछ नियम और मुख में प्रविष्टि और देवता के मुख अभ्यारण के संबंध में नियम है। केरल के मंदिरों में प्रवेश करते समय कई रूढ़िवादी नियम लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं। पुरुषों केवल एक नंगे सीने से अधिकांश मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। वे मंदिरों में प्रवेश करते समय ऊपरी वस्त्र पहनना नहीं चाहते हैं या इजाजत नहीं है, जो भी है। उत्तर भारतीय मंदिरों में प्रमुख देवता को अनमोल गहनों से सजाया नहीं गया है, क्योंकि सभी को देवता के मुख अभ्यारण्य में प्रवेश करने की इजाजत है। अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो उत्तर भारतीय मंदिरों में से अधिकांश में आसपास के गलियारों और हॉल नहीं होते हैं। जैसे मदुरई में मीनाक्षी अमर मंदिर जैसे कई दक्षिण भारतीय मंदिरों में आसपास के गलियारों और हॉल शामिल होते हैं। उत्तर भारत मंदिरों में आप ऊंचा टावर, पर्वतीय क्षेत्र या पवित्र क्षेत्र के ऊपर बनाए गए हैं। यह दक्षिण भारतीय मंदिरों में से कई के साथ ऐसा नहीं है। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों में पंचालहों की भीड़ वाली देवता है, जो प्रमुख देवता के अतिरिक्त पांच धातुओं का एक मिश्र धातु है। उत्तर भारतीय मंदिरों में यह जुलूस देवताओं का नहीं देखा जाता है, मतलब दिस प्रोसेशनल डाइटीज आर नॉट सीन इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। तो मुख्यतः जो डिफरेंस है या समानता है यही है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।